युद्ध का बंटवारा नहीं होगा। जब चले सुनो तो पूरा परिवार रह गया था, केवल कर्ण से कहा कि कर्ण तुम मेरे पास आ जाओ। कर्ण से कहा भगवान ने क्या तुम रथ में आ जाओ, थोड़ी देर मेरे संग चलो। बाहर एक कर्ण चतुराई कितनी थी कि प्रभु थोड़ी देर मुझे संग ना चल रहे हो तो मैं चलूंगा जरूर, पर जितनी देर मुझे ले चलो संग उतनी देर तुम रथ में बैठोगे और मैं तुम्हारे रथ को हांकूंगा। क्यों? कर्ण जानते थे कि ये दुनिया का रथ चला रहा है, आज इसके रथ को चलाने का मुझे मौका मिल जाएगा। तो कर्ण जैसा महात्यार रथ को हांक के ले जा रहा है, दूर लेकर के आए, तब कहिए महाराज क्या कहना चाहते हैं? अरे कर्ण, आज तुम्हें मैं वो बात बता रहा हूं जो तुम्हें अब तक पता नहीं है। महाराज ऐसी कौन सी बात है जो मुझे पता नहीं है? बेटा बात नहीं, कौन सी बात बताओगे? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कर्ण जिस महतारी से तुम जन्मे हो और उसी महतारी से ये युधिष्ठिर भीम और अर्जुन जन्मे, ये तुम्हारे सगे माजाए भाई हैं। तो मैं तुम्हें संकेत करता हूं कि भ्रातन भारत जितवाओ, अपने भाइयों की मदद करो। कर्ण ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु जिस चीज को तुम मुझे बता रहे हो जितना मुझे बहुत पहले से मालूम है, क्या मैं पांडवों का भाई हूं? पर प्रभु मैंने मित्रता की है दुर्योधन से, दुर्योधन मेरा मित्र है, तो मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा। देखिए कैसी कैसी बात आती है शास्त्रों ग्रंथों में, धोखा नहीं दूंगा। पर एक निवेदन है प्रभु तुमसे कि जो बात तुमने मुझे बता दी है इस बात को युधिष्ठिर को मत बता देना। युधिष्ठिर को मत बता देना कि कर्ण तुम्हारा भाई है। क्यों? क्या अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये कर्ण मेरा सगा भाई है तो वो अपना राज मुकुट उतार के मुझे पहना देगा, और मैं प्रभु या दुर्योधन से इतना बंध गया हूं मित्रता में कि बार राज मुकुट को उतार के मैं इसे पहना दूंगा। देखिए उद्योग परम महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि कर्ण ने कहा है कि प्रभु अगर मेरी पूछो तो मेरी आत्म इच्छा यही है कि जब राज सिंहासन पर बैठे तो मेरे भैया धर्मराज युधिष्ठिर बैठे। रही बात मेरी तो जिंदा रहूंगा तो दुर्योधन के संग और मरूंगा तो दुर्योधन के संग। मैं मित्रता की मित्रता में धोखा नहीं दूंगा, ये नीति बताती है, ये ग्रंथ सिखाते हैं। भगवान चले, ध्यान रखना दुर्योधन ने पांच काम तो बहुत बड़ी बात थी कि सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दी। अब समस्त नौजवान बच्चे ध्यान से सुनना, सभी माताएं बहनें बिटियां गौर से सुनना। जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम रावण का, भगवान राम जीत गए थे, रावण धरती पर पड़ा हुआ था, रावण धरती पर पड़ा हुआ था। उस समय भगवान राम से कहा कि राम एक बात और देख लेना, रामायण में पूरी लड़ाई को लड़ गया एक बार भी, केवल अंतिम समय जब उसके प्राण छूटे थे उस समय बोल गया था नहीं, एक बार भी राम के नाम के आगे उसने श्री नहीं लगाया, इतना अहंकारी था। तब कही राम तुम ये मन समझ लेना क्या मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई हुई है तो तुम जीत गए हो, इसे दिमाग से निकाल देना। बाहर रावण जैसे विद्वान क्यों? क्या महाराज मेरी यह प्रतिज्ञा थी क्या मैं अपने जीते जी राम को लंका में पैर नहीं रखने दूंगा, सो तुम्हें पांव धरन तो ना दो और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे जीते जी और मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं तुम रोक नहीं सकते। इस तरह तो महाराज मेरी जीत हुई है और तुम राम रावण के युद्ध में
प्रभु जीत गया तुम और मेरी हार हो गई है, उसका केवल एक ही कारण है। देखिए राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सब सभा ध्यान से सुनना, अच्छी लगा दिल तक भीतर तक तो मेरे भगवान राम के नाम की ताली बजाना, कब जब अच्छी लगे तब। भगवान राम कहते हैं लंकेश तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। विचार करना, दुश्मनी हो तो ऐसे राम प्रणाम करते हैं, लेकिन रावण कहता कि सुनिए राजधानी तुमसे बड़ी है मेरी, हथियार तुमसे ज्यादा है मेरे पास, रावण संकेत कर रहा है, और तुम्हारे घर में केवल एक ही भवन सोने का, मेरी पूरी लंका सोने की है। और सुनो राम, तुमने केवल जनकपुर में एक धनुष ही उठा लिया था और मैंने कैलाश पहाड़ उठाया अपने हाथों से। प्रभु तुमने केवल अपने गुरु के साथ कुछ दिन ही तपस्या की है और मैंने 1000 बरस तप किया है एक ही पैर पर खड़े होकर के। सब चीज में तुमसे ज्यादा हूं राम, और इतने पे भी मेरी हार हुई और तुम्हारी जीत हुई, उसका केवल एक ही कारण है, क्या तुम्हारा भैया तुम्हारे संग है और मेरा भैया मुझसे अलग, केवल इसलिए हारा हूं मैं तुमसे। ध्यान रखना, जीवन में भाई से भाई की कभी इतनी दूरी पैदा मत करना जो रावण और दुर्योधन जैसा कर्म तुम्हारे साथ हो जाए। अगर रावण विभीषण को लात नहीं मारता तो उसकी जीवन में कोई हार करने वाला होता नहीं, और दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव दान में दे देता तो कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा संग्राम होता नहीं। भाई भाई के बीच में जब जब तनाव हुआ है तब तब विनाश हुआ है, तब तब विनाश हुआ है। भगवान चले गए पांडवों से, कह दिया कि युद्ध की तैयारी करिए, युद्ध की तैयारी हुई, कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया, कुरुक्षेत्र का मैदान। श्रोता बंधु, कुरुक्षेत्र का ही मैदान क्यों चुना? सभी ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान के नाम का एक भजन बोलें, चलो।